सुप्रभात छात्रा, नमो नमः। आज हम स्टैंडर्ड 9 संस्कृत में चैप्टर नंबर 16 अजय सभविष्यति, इसका मतलब होगा कि ही विल बिकम इनविजिबल। अगर हमें अमर और अजय अमर रहना है तो ये 20 क्वालिटी है यहाँ पे दी है, वो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेगी। यहाँ पे है कि दिस फॉलोइंग वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द नीति शास्त्र कंपोज बाय चाणक्य। ये नीति शास्त्र में से लिए हुए वर्सेस है, वर्सेस यानी श्लोक। यहाँ पे जितने भी श्लोक है सारे नीति शास्त्र में से लिया है और नीति शास्त्र को कंपोज किया है चाणक्य ने। अब यहाँ पे है कि मनुष्य को अगर अपने काम को परफेक्ट करना है, कहीं आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल एंड हैप्पी रहना है, तो कौन सी चीज़ ऐसी जो सीख सकते हैं? तो इसके लिए हम ऐसा है कि हम किसी मनुष्य के पास तो सीख ही सकते, लेकिन हमारे समाज में, हमारे नेचुरल में कई ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स है जिसके पास से हम कुछ ना कुछ ऐसी बात सीख सकते जिसके कारण हम आगे जाके अजय अमर हो सकते हैं, अजय रह सकते। कोई भी काम ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, परफेक्ट कर सकते अगर ये सारी बातें हम सीख ले तो। तो यहाँ पे हम अपना श्लोक स्टार्ट करेंगे। ये पोएट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे श्लोक दिए गए हैं। फर्स्ट श्लोक हमारा है कि सिंहादेकम बकादेकम षट शून त्रिणी गर्दभात वायस्य पंच विक्षिक्षय चत्वारी कुकुटा दपि। फर्स्ट श्लोक में कहा गया है कि हमें कौन से एनिमल के पास से कुछ सीख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सिंहादेकम। सिंहादेकम मतलब होगा कि लायन, लायन के पास से एक, बकादकम यानी क्रेन के पास से एक, षट शून त्रिणी, शून का मतलब होगा डोग, डोग के पास से हम 6 क्वालिटी सीख सकते हैं। त्रिणी गर्दभात, गर्दभात यानी डोंकी, डोंकी के पास से भी हम 3 क्वालिटी सीख सकते हैं। वायस्य च पंच, तो यहाँ पे है कि क्रो है, तो क्रो के पास से 5 क्वालिटी ऐसी है जो हम लर्न कर सकते हैं। और फोर्थ हमारा, लास्ट हमारा है कि कुकुटादपी, यानी कि हम क्रो, कॉक से हम क्या सीख सकते हैं, तो कि हम 4 क्वालिटी उसके पास से भी सीख सकते हैं। अब वन बाय वन हम उनके अलग अलग क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड श्लोक से हमारे सबकी यहाँ पे क्वालिटी दिखाई देंगी। अब देखो यहाँ पे चित्र में आपको लायन दिखाई देता है, तो आप सीखोगे कि लायन के पास से ऐसी क्या क्वालिटी थी। वो तो हमेशा किसी ना किसी को मारते पीटते रहता है, उसकी तो दहाड़ी भी ऐसी होती है कि आदमी डर जाए, लेकिन उससे पास से हम एक क्वालिटी सीखेंगे। तब हमारा सेकंड श्लोक है कि प्रभुतम अल्पम कार्य वायो नर कर्तुम इच्छन्ति सर्वारंभे सर्वारंभे न तत्कुर्यत सिंहादेकम प्रकृति तम। यहाँ पे है कि हम कोई बड़ा या छोटा काम अगर करना चाहते हैं तो अगर वो हम अच्छे से करेंगे और अच्छी मेहनत के साथ, पूरे भी उद्यम के साथ करेंगे तो हमारा कार्य सक्सेस होगा। ये चीज़ हम किसके पास से सीख सकते हैं, तो कि ओनली फॉर लायन के पास से। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि अ मैन हु द डिजायर टू डू अ स्मॉल और बिग वर्क शुड डू इट मेकिंग एन ऑल आउट एफर्ट, दिस इज सेड टू बी द थिंग्स फ्रॉम द लायन। ये थिंग्स हम किसके पास से सीख सकते हैं, ओनली फॉर लायन। उसके बाद सेकंड श्लोक है, उसमें है हमारे क्रेन के बारे में दिया है कि क्रेन है तो बगुला, उसके पास से हम कौन सी क्वालिटी सीख सकते, तो कि उसके पास से है तो कि हमारी ये क्वालिटी है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रखें। थर्ड श्लोक के है कि सर्व इंद्राणी संयम बकवत पति तो जन कालो देशोपनानी सर्व कार्याणी साधियत। अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को अपने संयम में रखकर बगुले की भांति समझदारी से अपने समय और देश के संदर्भ में वो कार्य करेगा तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन करेंगे, अ वाइज मैन रेस्ट्रेनिंग हिज सेंस लाइक अ क्रेन शुड अकम्प्लिश ऑल द वर्क फेलन टू हिज शेयर ड्यू टू टाइम एंड प्लेस। अपने टाइम और प्लेस को देख कर अपने वो कार्य करेगा तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये हमें सीख बगुले से मिलती है। अब हम फोर्थ श्लोक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें डॉग से कुछ सीखना है। अब यहाँ पे हमारा चित्र है कि डॉग, जिसमें डॉग आपको देखते ही अच्छा लगता है क्योंकि वो हमेशा, एक तो क्वालिटी आपको पता ही कि वो हमेशा अपने मास्टर के प्रति वफादार होता है।
4 श्लोक हमारा है कि प्राप्तासी स्वल्प संतुष्ट सुनिंद्र शीघ्र चेतन प्रभु भक्तस्य सुरस्य ज्ञातव्या स्वगुणा ही षट। 4 श्लोक में कहा है कि 6 क्वालिटी हमें डॉग के द्वारा सीखनी है। तो फर्स्ट है प्राप्तासी, जो मिलता है वो खा लेता है, स्वल्प संतुष्ट थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, सुनिंद्र अच्छे से नींद लेता है, शीघ्र चेतना अच्छे से जाग भी जाता है, प्रभु भक्त जो मैंने कहा था ना कि वो हमेशा अपने मास्टर को वफादार होता है, और लास्ट है कि सुरस्व इसका मतलब होगा कि वो ब्रेव होता है। ये 6 क्वालिटी हमें डॉग से प्राप्त होती है। इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे, इंडीड दिस 6 क्वालिटी ऑफ अ डॉग शुड बी नो इट इट्स वॉट एवर इट गेट्स, इट इज सेटिस्फाइड बाई वेरी लिटल, इट स्लीप इजीली, वॉक अप क्विकली, इट इज डेवोटेड टू इट्स मास्टर एंड इट इज ब्रेव। अब 5 नंबर का श्लोक हम सीखेंगे किससे, तो कि डोंकी से। अब यहाँ पे चित्र में आपको डोंकी दिखाई देगा, तो आप बोलोगे मैडम डोंकी से क्या सीखेंगे, डोंकी तो हमेशा लात मारता रहता है और वो तो किसी को अच्छा भी नहीं, और अब तो रेयर केस में वो दिखाई भी नहीं देता बहुत, लेकिन इससे भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। 5 नंबर का श्लोक हम सीखेंगे कि अविश्राम वहेद भारम शीतलोषम च न विंदंती संतोष्यस्ता नित्यम त्रिणी शिक्षेत गर्धभात। अब हम डोंकी से 3 क्वालिटी सीखेंगे, कौन, तो कि अविश्राम वहेदम भारम। अविश्राम का मतलब कि बिना विदाउट टायर ले वो अपने ऊपर जो बर्डन होता है उसको कैरी करता है, और शीतलोषम च न विंदती ठंडी गर्मी की परवाह नहीं करता, और जो भी मिलता है उसमें सेटिस्फाई होता है। ये 3 क्वालिटी हम डोंकी से सीखेंगे। 5 नंबर का इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि डोंकी विल कैरी बर्डन विदाउट गेटिंग टायर्ड, इट डज नॉट बॉदर अबाउट हीट और कोल्ड, सिमिलरली इट इज ऑलवेज कंटेंट। दीज 3 थिंग्स वन शुड लर्न फ्रॉम अ डोंकी। अब हमारा 6 नंबर का श्लोक है, उसके बारे में हम सीखेंगे। पहले तो आप देखोगे कि कौन सा बर्ड्स है, तो कि कौवा, कौवा है, तो कौवा के पास से क्या सीखे, वो तो हमेशा काँव काँव करता रहता है और हमारे सिर में दर्द करता है, उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है, उसे पसंद भी नहीं है, फिर भी उससे हम क्या सीखेंगे, तो आगे हम श्लोक में देखेंगे। 6 नंबर का श्लोक हमारे के गुढ़ ग्राह्य स्वस्थ स्वस्थ्य चातुर्यम काले च आलय संग्रहयम अप्रमादम अनालस्यम पंच शिक्षेत वायस। अब ऐसे कौवे जो सारे दिन कौ कौ करता रहते उससे पास से भी हम 5 क्वालिटी सीखने वाले। तो फर्स्ट हमारे कि गुड ग्राह्य स्वस्थ्य चातुर्यम, उसका मतलब होगा कि उसका गृहस्थ जीवन हो ना वो हमेशा गुप्त रहता है वो एक, फिर उसका है कि वो चतुराई है उसकी, उसमें अंदर चतुराई खुट खुट के भरी है, और वो अपना नेस्ट होता है, अपना नेस्ट होता है ना वो हमेशा योग्य समय पर ही बनाता है, और उसमें प्रमाद यानी आलस जैसा कुछ है नहीं है। ये 5 क्वालिटी हमें कौवे से सीखनी है। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि क्लेवरनेस, एक तो वो बहुत ही चतुर है इसलिए क्लेवरनेस, फिर सिक्रेसी ऑफ फैमिली लाइफ, अपनी फैमिली को वो सिक्योर करता है, बिल्डिंग अ नेस्ट एट द राइट टाइम, अलर्टनेस एंड द एब्सेंस ऑफ द लेजीनेस, दिस 5 क्वालिटी वन शुड लर्न फ्रॉम अ क्रो। इसके बाद हम सीखेंगे 7 नंबर का श्लोक। अब इस चित्र को देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो कॉक है, इससे तो ये तो सुबह उठ के बांग पुकारता है, सबको जगाता है, एक तो क्वालिटी इसमें है, अब और ज़्यादा क्वालिटी हम आगे के श्लोक में सीखेंगे। अब 7 नंबर का श्लोक जो मैंने चित्र बताया उसके बारे में कि युद्धम च प्राप्तरुस्थानम भोजनम स बंधु भी स्त्रियम आपगताम रक्षेत चतुहु शिक्षित कुकुटात। अब हमें कॉक से 4 क्वालिटी सीखनी, एक तो मैंने आपको बताया कि सुबह उठ के वो सबको जगाता है, उसके अलावा भी 3 क्वालिटी है। तो फर्स्ट है कि युद्ध कैसे करते वो हमेशा वो हमें सिखाता है। प्रातः स्थानम का मतलब होगा कि वो सुबह जल्दी उठ जाता है, वो तो मैंने बताया। फिर उसके बाद है भोजनम संबंधी, वो अपना भोजन अपने रिलेटिव के साथ ही हमेशा करता है, और जो डिफ़िकल्टी में है जो स्त्री उसकी वो मदद भी करता है, उसकी रक्षा करता है। ये 4 क्वालिटी हमें कॉक से सीखनी है। इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि फाइटिंग एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ईटिंग विथ द रिलेटिव्स एंड प्रोटेक्टिंग अ वुमन इन डिफ़िकल्टी, वन शुड लर्न दिस 4 थिंग्स फ्रॉम द कॉक।
उसके बाद लास्ट श्लोक हमारा एक बोध देता है, सीख देती है यहाँ पे कि ये एताना विसंति गुणान आचर्यस्यति मानव कार्यवस्थासु सर्वासु अजेय स भविष्यति। अगर मनुष्य ये 20 क्वालिटी अपने आचरण में अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लेगा तो वो हमेशा अजय हो जाएगा, इनविजिबल, ही विल बिकम इनविजिबल। इसका ट्रांसलेशन होगा कि द मैन हु प्रैक्टिसेस दिस 20 क्वालिटी इन ऑल स्टेज ऑफ वर्क विल बिकम इनविजिबल। यहाँ पे हमें क्या बोध मिलता है कि हमें कोई भी जीव को सामान्य समझना चाहिए नहीं, हर एक जीव, हर एक मनुष्य, हर एक एनिमल कोई ना कोई पास, किसी न किसी से पास से हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। कोई कभी भी हमारा गुरु बन सकता है। अस्तु।